हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रूही। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एंड अगर आपको लगता है ये किसी की हेल्प कर सकता है तो आप प्लीज़ उसे शेयर करिए। एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो से, जो कि बहुत सिंपल बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स होती है, जबकि मेरे को भी है। मेरे नोज़ पे हाइपर पिगमेंटेशन है और उसकी होममेड रेमेडी मैं आज लेके आई हूँ, जो इतना सिंपल होने वाला है और इतना बजट फ्रेंडली होने वाला है कि आप बिलीव नहीं करोगे। उसके लिए सिंपल आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ भी नहीं, एक्चुअली सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। वो है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट है, उससे प्योर जेल निकल सकता है एक्सट्रैक्ट्स, तो वो तो एकदम बेस्ट हो जाएगा। बट मेरे पास एलोवेरा प्लांट नहीं है तो मैंने ये एलोवेरा जेल खरीदा है, मैंने हिमालय का लिया है गाइस। और आपको चाहिए विटामिन ई की कैप्सूल। गाइस, ये विटामिन ई की जो कैप्सूल है ये आपको मुझे मिली थी ऑलमोस्ट 36 रुपीज़ की, तो ये इतना बजट फ्रेंडली है कि आप ये घर पर कर सकते हो और आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन की जो पिथ इशूज़ है वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये एलोवेरा जेल लेना है और उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून लेना है, जो कि मैं ये मेजर करूँगी इस मेजरिंग स्पून से। और जब आपको तो पता ही होगा कि एलोवेरा में मेलानिन को कम करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, तो मैं ये अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून लूँगी। ये देखो आप, मैंने 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ले लिया, इसको बोल में रख दिया और अब मैं इसमें सिंपली, ये ऐसा कैप्सूल आता है, ऐसा आप जाओगे ना अपने केमिस्ट के पास तो केमिस्ट को जस्ट बोलना है कि विटामिन ई के कैप्सूल्स दे दो, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये इस तरीके से ये कैप्सूल होता है। इसको क्या करना है, जस्ट आपको एक प्रिक करना पड़ेगा। प्रिक करने के बाद आपको, मैं सीजर से इसे कट कर लेती हूँ, ये एक कैप्सूल आपको डालना है। ये देखिए गाइस, ये एक पूरा कैप्सूल आपको ये एलोवेरा जेल में डाल लेना है, ये देखिए। और जब आप ये एक कैप्सूल डाल दोगे ना अच्छी तरीके से, इसको आपको फिर एकदम बढ़िया तरीके से ना मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो मिक्सिंग प्रोसीजर है ना, यही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते हो गाइस, तो एलोवेरा जेल में मेलानिन को कम करने की प्रॉपर्टीज़ होती है और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने की नेचुरल तरीके से प्रॉपर्टीज़ होती है। और विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो विटामिन ई एक्सट्रैक्ट है, जो अपने को स्किन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो विटामिन ई और एलोवेरा जेल दोनों में लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये जो मिक्सचर है गाइस, आप लोगों को क्या करना है, ये देखिए, ये एकदम मिक्सचर इस तरीके से मिक्स करके बनाना है। बहुत अच्छे से इसको आपको मिक्स करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मिक्सिंग प्रॉपर्टी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस, इसको मिक्स करने के बाद आपको ये जेल इस तरीके से थोड़ा थिक और थोड़ा वाइटिशन कलर दिखाई देगा, ये देखिए इस तरीके से। इसे आपको क्या करना है, डेली, बिल्कुल भी एक दिन का भी गैप नहीं रखना है, डेली आपको फेस पे रात को अपना फेस क्लेंज करके, यानी कि क्लेंजर से अच्छे से क्लेंज करके, अगर आपके पास क्लेंजर नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप सिंपली फेस को वॉश करके, जो भी आप फेस वॉश वगैरह यूज़ करते होगे, उससे फेस वॉश करने के बाद ये मिक्सचर को पूरे फेस और नेक पे लगाना है। और ये मिक्सचर लगा के आपको ओवरनाइट रखना है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मिक्सचर है उसको आपको ओवरनाइट रखना है। और जब आप सुबह उठोगे तो आपको आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और जो भी हाइपर पिगमेंटेशन के जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा रिड्यूस होते दिखाई देंगे। बट गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन यह प्रोसीजर करना है, फिर दूसरे दिन आप भूल गए, दूसरे दिन स्किप हो गया, फिर चलो ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ को काम करने के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट आपको एक मिराकल या मैजिक हो जाएगा। ये जो मिक्सचर है इसे आपको डेली लगाना है। और जहाँ भी आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जैसे मुझे नोज़ के ऊपर है, वहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, वहाँ अच्छी तरीके से लगाना है। किसी किसी को चीक पे होता है, किसी किसी को चिन पे होगा, कहीं और होगा, उधर आपको अच्छे तरीके से ये मिक्सचर लगाना है। गाइज, अगर आप तकरीबन 1 महीने बिना लीव के या बिना उसको यू नो लाइटली लेते हुए एकदम थरली आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो आपका फेस का आप खुद देखोगे, आप एक बिफोर आफ्टर पिक ले लेना, आप खुद देखोगे कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के जो इशू है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बट आपको इसे रिलीजियसली करना है, ऐसा नहीं कि आज किया कल भूल गए, चलो ठीक है परसों कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी गैप नहीं लेना है,
एकदम अच्छी तरीके से इसे फॉलो करिए। ये सिर्फ दो इंग्रेडिएंट है और इतने बजट फ्रेंडली है, ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ मैंने बताई है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत हर्बल है, ये कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि बॉयज़ नहीं कर सकते या गर्ल्स नहीं कर सकती, कोई भी कर सकता है क्योंकि एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट है। बॉयज़, यंग, ओल्ड, जवान, बूढ़े, कोई भी ये चीज़ कर सकता है और आपको रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ। आप खुद देखोगे कि आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। थैंक यू गाइज। अगर आपकी कोई भी सजेशंस है तो लेट मी नो दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।